जब कुछ बनने की ठानी है तो कीमत तुम्हें चुकानी होगी। बारिश की बूंदों के खातिर धरती को तपना पड़ता है। बारिश की बूंदों के खातिर धरती को तपना पड़ता है। स्वागत। कल हम लोगों ने जीआई टेक पढ़ा था और जीआई टेक आप लोगों ने देखा और आपको उपयोगी लगा और आप बहुत सारे कमेंट आए कि सर लगातार ये सीरीज चालू रखा जाए और इस पर लिए आपने ये रिक्वेस्ट किया कि सर करंट अफेयर वाली सीरीज जारी रखा जाए। तो इसी क्रम में मैंने सोचा है कि आपको करंट अफेयर के 20-20 10-10 मिनट के जो क्लास हैं उनके द्वारा वो इंपॉर्टेंट सवाल दे दूं जो सर्टन है कि आपके पेपर में आएंगे। जैसे जीआई टेक पढ़ा दिया है, आज हम लोग प्रमुख इंडेक्स पर चर्चा कर लेंगे, फिर नियुक्तियों पर चर्चा कर लेंगे, कहाँ कहाँ किस किस विभाग में कहाँ कहाँ भारत के कौन राज्य नियुक्त हुए, ये चर्चित स्थल चर्चित व्यक्ति के बारे में चर्चा कर लेंगे, हाल ही में जो पुस्तक प्रकाशित हुए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेंगे हम लोग। यानी करंट अफेयर के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको जल्दी जल्दी से 10-10-20-20 मिनट में उसको कवर कर लेंगे। तो आइए, ज्यादा समय आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी समय नहीं है, मेरा उद्देश्य है आप तक ज्यादा से ज्यादा कंटेंट को डिलीवर कर देना। तो आप थंबनेल में देख रहे हैं, आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख इंडेक्स के बारे में। बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, और अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ने बैठ जाएंगे तो दिक्कत इस बात की हो जाएगी कि समय अचानक पेपर आ जाएगा और एक दो सवाल बस आप कवर कर पाएंगे। तो इंडेक्स में हम लोग बस मैंने पीपीटी बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है, और आपके लिए वो चीजें निकाल ली है जो एग्जाम के लिए केवल जरूरी है, फिलहाल एग्जाम की दृष्टि से जो जरूरी है बस वही डाटे आपको देखने हैं। आइए देखते हैं, ये रहा पहला सवाल, जरा देखिए क्या कह रहा है। ये है आपके सामने, बहुत शालीनता से याद कर लीजिए, अपने कॉपी पर पेन डाउन कर लीजिए, उतना ही मैंने शामिल किया है जितना कि पेपर के लिए जरूरी है, जितना, क्योंकि समय को देखते हुए जो व्यक्ति समय के अनुसार बदल नहीं पाएगा उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, समय को ध्यान में रखते हुए इस बात को देखते हैं। देखिए, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, यानी इसको बोलते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, एक असमानता सूचकांक भी आता है जीडीआई, जेंडर डेवलपमेंट गैप इंडेक्स, वो दूसरा चीज है, उसमें भारत को दूसरा स्थान मिला है। यहां मैंने डाला है, अपने ऊपर से दिमाग कुछ मत लगाइएगा वरना एक्स्ट्रा दिमाग लगा के आप सवाल को गलत कर दें। वैश्विक, ध्यान सुनिए क्या लिखा हुआ है, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक कौन जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे जारी करता है। अगर बात किया जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की स्थापना कब हुई है, तो यह स्थापना हुआ है जनवरी 1971 में। अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत की रैंकिंग क्या है, 129 है, भारत की रैंकिंग क्या है, 129, इसमें आइसलैंड किस स्थान पर है पहले, कुल कितना देश शामिल किया गया है, 146 मित्र, कितने देश, 146, और बेटा सबसे अंतिम पायदान पर कौन रहा है, सूडान। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि इसमें भारत का स्थान क्या रहा है, 129। लेकिन अगर कहीं यही सवाल आता जीडीआई जेंडर डेवलपमेंट गैप इंडेक्स, तब आप उसमें बताते भारत का स्थान कितना है, 108। यहां सवाल गलत करने की पूरी संभावनाएं बनती हैं, इसीलिए इस चीज को क्लियर कर रहा हूं मैं। जीडीआई जेंडर डबल गैप इंडेक्स, और ये गैप और अंतराल जीडीआई वाले मामले में दूसरा है और लिंग अंतराल सूचकांक वाले मामले में दूसरा है। इसमें 129 स्थान पर भारत है, आइसलैंड को पहला स्थान मिला है, कुल 146 देश है, और सूडान जो है ये सबसे अंतिम पायदान पर है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो इसे कौन जारी करता है, खुद पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट डाटा है, और आप इसको बहुत, ये सारे 2024 के में इंडेक्स आपको बता रहा हूं। रिपोर्टर्स विदाउट वेरियर्स, रिपोर्टर विदाउट वेरियर, बेटा रिपोर्टर्स विदाउट वेरियर्स इसे जारी करता है। भारत का स्थान 161वां रहा है, दयनीय स्थान है। भारत की मीडिया हम सबको पता है, माउथ मीडिया हो चुकी है, सरकार के गोद में जाकर बैठ, भारत में मीडिया पहली बार बचा ही नहीं, भारत में मीडिया का काम वो लोग कर रहे हैं, संविधान पर आकर वो लोग चर्चा करेंगे जिनको संविधान के बारे में कोई जानकारी नहीं, आप अर्थव्यवस्था पर वो लोग चर्चा करेंगे कि जिनको कुछ भी जानकारी नहीं है अर्थव्यवस्था के बारे में। इस पर प्रथम स्थान पर कौन रहा है, नॉर्वे, नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर रहा है, कुल कितने देश शामिल हुए हैं, 180,
सबसे अंतिम पायदान पर कौन रहा इसमें? ऑस्ट्रिया। सबसे अंतिम पायदान पर कौन रहा इसमें? ऑस्ट्रिया रहा। आइए अगला डाटा देख लीजिए आप लोग, अगला इंडेक्स देखते हैं। तो अगला इंडेक्स बेटा क्या है, जरा ध्यान से सुनिए, मेरा विश्व शांति सूचकांक। दुनिया भर के इंडेक्स आपको रट के नहीं जाना है फालतू सा, अपना मूड खराब करके, आप समय वैसे बहुत कम है, बहुत सटीक पढ़ के जाना है। विश्व शांति सूचकांक वर्ल्ड पीस इंडेक्स अगर कभी अंग्रेजी में आए, कौन जारी करता है? अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान, अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान जारी करता है। इंडिया 116वें स्थान पर है, पहले स्थान पर आइसलैंड है, और कुल देश 163 है, और बेटा इसमें यमन सबसे अंतिम पायदान पर है, यमन इसमें सबसे अंतिम पायदान पर है, यानी उसको सबसे अंतिम पायदान पर रखा गया। आपको भारत वाले रैंकिंग जरूर याद रखना है। आगे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यहां गलत करने की पूरी संभावना आपसे बन सकती है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, एक आएगा पर्यावरण, एक आएगा क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन सूचकांक, वो मामले अलग है। देखो तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 भारत का स्थान क्या रहा, कौन जारी करता है? एल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय, ये दो मिलकर इसको जारी करते हैं, एल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय। भारत को कितनी रैंकिंग मिली है? 176वां। कौन सा देश नंबर एक पर रहा है? एस्टोनिया। और सबसे खराब स्थिति में कौन रहा है? वियतनाम। वियतनाम इसमें सबसे दयनीय स्थिति पर रहा है, इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, याद रखिएगा, याद रखिएगा इसको जरूर मित्र, याद रखिएगा, आपके पेपर में छप सकता है ये सारे सवाल। आगे देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक, अच्छा इसके बारे में तो अभी हम लोगों ने बात कर लिया। देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक, वहां का पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ध्यान से सुनिएगा एक बार जरा फिर से देख लीजिए, इसको देख लीजिए, पर्यावरण पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत का स्थान 176वां, लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन कहेगा, पर्यावरण की जगह अगर जलवायु लगा देगा, तो जरा देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक ये भारत का स्थान क्या है? 7वां। यानी अगर पर्यावरण लगा के पूछा होता तो बेटा आप क्या बता देते? तो आप बता देते 176वां, लेकिन अगर यहां जलवायु लगा के पूछा है तो ये क्या हो जाएगा? इंडिया 7वें नंबर पर। डेनमार्क चौथे स्थान पर रहा है, पहला तीसरा स्थान ये खाली रहा है, तो चौथे स्थान के साथ डेनमार्क इस पर पहले स्थान पर रहा है, चौथे स्थान के साथ डेनमार्क इसमें पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखिए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, 63वां स्थान रहा है भारत का, 63 स्थान पर भारत है। टोटल देश कितने हैं और अंतिम पायदान पर कौन है इसके? पहले पायदान पर इसके सूडान है, ये फर्स्ट पायदान पर सूडान है। टोटल कंट्री कितने हैं? 120। सबसे खराब स्थिति में कौन रहा है? कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। यही कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एक नदी बहती है कांगो या जायरे, जो भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, याद रखिएगा। लिम्पोपो, यहीं पर लिम्पोपो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका देश में बोत्सवाना नामेबिया के पास बहती है लिम्पोपो नदी, और लिम्पोपो मकर रेखा को दो बार काटती है, और भारत में माहे कर्क रेखा को दो बार काटने वाली नदी है। तो विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, 63वां स्थान इंडिया को मिला है, प्रथम स्थान पर स्वीडन है, कुल देश 120 है, लोकतांत्रिक कौन सा? लोकतांत्रिक गणराज्य बेटा इसमें कांगो गणराज्य इसमें अंतिम पायदान पर रहा है, कांगो गणराज्य इसमें अंतिम पायदान पर रहा है। आगे देखिए वैश्विक, सॉरी ये थोड़ा सा अलग लग गया, इधर देखिए वैश्विक भ्रष्टाचार धारण सूचकांक, वैश्विक भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये वो संस्था है जो ये रिपोर्ट जारी करती है। भारत का स्थान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 193 स्थान पर रखा गया है। दुनिया में पहले स्थान पर कौन है? अब जरा ध्यान से देखिए 180 देशों में भ्रष्टाचार में भारत 193 स्थान पर है, और इसमें टोटल देश कितने हैं? 180। सबसे खराब कंडीशन में कौन गया है? सोमालिया। बिल्कुल सटीक बात, इधर उधर की कोई बात नहीं, बिल्कुल एकदम मुद्दे की बात, आपको तुरंत कॉपी निकालकर एक बार कस के और आपको लिख लेना है।
वेरी इंपॉर्टेंट, खूब पेपर में छपता है, कई बार पेपर में छपा है, आने की संभावनाएं फिर है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये बताता है किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। हिनले पासपोर्ट इंडेक्स की अगर बात करेंगे आप, तो हिनले, ये हिनले एंड पैटर्न्स, ये वो संस्था है जो इसको जारी करती है, ये वो संस्था जो इसको जारी करती है। दोस्त देखो, भारत का स्थान क्या रहा है, 180, भारत का स्थान इसमें क्या रहा है, 180, और इसमें जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत रहा है दुनिया में, जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत रहा है। भारत का स्थान क्या रहा है, 180, सॉरी भारत का स्थान क्या रहा है, 80 रहा है, ठीक है। चलिए वीडियो को एक बार रिवाइज करके आप लोग जरूर देखिएगा, दो तीन बार देख लीजिएगा, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा अगर आपके पास समय का अभाव है। लोकतंत्र सूचकांक, डेमोक्रेसी सूचकांक आपको बताना है, डेमोक्रेसी सूचकांक में कह रहा है, देखिए कौन जारी करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये क्या करता है, इस सूचकांक को जारी करता है। तो ये वो है जो ये सूचकांक को जारी करता है। इंडिया किस स्थान पर है, भारत किस स्थान पर है, 41वें स्थान पर है। बेहतर कंडीशन में कौन, सबसे बेहतर कहां डेमोक्रेसी है, नॉर्वे में। और कुल देश कितने हैं इसमें, 167। बेटा अफगानिस्तान को, बच्चे अफगानिस्तान को इसमें सबसे निचले पायदान पर रखा गया है, कहने का मतलब है अफगानिस्तान 167 नंबर के देश पर है। तालिबान जब से आया अफगानिस्तान में तबाही मचा दिया है उन लोगों ने, एकदम बर्बाद कर दिया है अफगानिस्तान को। चलिए ठीक है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, ये बेटा क्या काम करता है, ये फायर पावर इंडेक्स, फायर यानी आग नहीं करेंगे, शक्ति कहेंगे, इसको नापा जाता है सैन्य शक्ति के, सैन्य शक्ति यानी किसके पास कितनी बड़ी मिलिट्री पावर है। तो दुनिया में भारत आज वर्तमान में, पहली बार ये देख लीजिए, इसे जारी कौन करता है, वैश्विक स्मारक क्षमता, वैश्विक मारक क्षमता, ये वो संस्था है जो इसको जारी करती है। इंडिया भाई साहब इसमें चौथे स्थान पर है, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, पहले स्थान पर इस पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद रूस मिलेगा आपको, इनके बाद आपको रूस मिलेगा, और रूस के बाद आपको चीन मिलेगा, और चीन के बाद आपको भारत मिलेगा। इसमें किसमें, ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान याद रखिएगा चौथा है। एक बात और याद रखिएगा, सन 2024 में दुनिया में आयातक देश किसका, विश्व में सबसे बड़ा आयातक देश हथियार का कौन रहा है, हथियार का कौन रहा है, तो हथियार का विश्व में सबसे बड़ा आयातक कौन रहा है, भारत रहा है। और अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा निर्यातक कौन रहा है, तो यूएसए रहा है, यूएसए रहा सबसे अधिक हथियार निर्यातक, और खरीदने वाला देश कौन रहा है सबसे अधिक, भारत रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सैन्य बजट दुनिया में किसकी सबसे बड़ी है, तो आप गलती से भारत मत लगाइएगा, क्या लगाइएगा, अमरीका लगाइएगा। अमरीका में सैन्य बजट दुनिया में सबसे ज्यादा रहा है, देख लीजिए एक बार, देखिए भारत का स्थान क्या है, चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है, किसमें, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2024 में, ठीक है। अगला डाटा देख लीजिए, अगला इंडेक्स देखते हैं क्या कह रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, मानव विकास सूचकांक, कभी आपके पेपर में हो सकता हो ये ऐसे आ जाए, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तीन चीजें होती हैं, एक होता है जीवन प्रत्याशा, याद रखिएगा जीवन प्रत्याशा, और एक होता है प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा प्रति व्यक्ति आय। इसके अलावा क्या होता है, स्वास्थ्य होता है, ये चिकित्सा यानी स्वास्थ्य होता है, जीवन प्रत्याशा होता है, प्रति व्यक्ति आय होता है, और स्वास्थ्य होता है इसमें, ठीक है। इसको विकसित किसने किया है, तो पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं, महबूब उल हक, इन्होंने HDI को विकसित किया है, पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा इसे विकसित किया गया है। अब अगर बात करें 2023-24 में, यह 2023-24-25 के रूप में जारी होता है, जारी कौन करता है इसे, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब अगर बात करें UNDP की स्थापना कब हुई है, तो UNDP की स्थापना हुई है 1965 में, और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ये तो हो गया UNDP, पहले UNDP। अब अगर बात करें इसमें भारत का स्थान क्या है, यही इंपॉर्टेंट है, 134 स्थान पर क्या है, भारत, पहले स्थान पर क्या है, नॉर्वे है। टोटल कंट्री कितने इसमें,
193 सबसे खराब स्थिति कहां की है? सोमालिया की है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर बात करें आपसे, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आपसे बात किया जाए तो ये दुनिया में, अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में कहे दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी कौन है, तो दुनिया में सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी कौन है? दिल्ली। अगर आपसे कहे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत, ये दुनिया के सबसे प्रदूषित देश हैं। और अगर आपसे पूछे सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो यह है बेगूसराय, बिहार का बेगूसराय। सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली 2018 से लगातार चौथी बार भारत की दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी रहा है। दुनिया के सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश रहा है, उसके बाद पाकिस्तान हुआ है, उसके बाद भारत हुआ है। सबसे प्रदूषित शहर बिहार का बेगूसराय रहा है। चलिए अगला देखिए इंडेक्स, बहुत फालतू सी बातें नहीं शामिल किया मैंने, बस वो चीजें देखिए। विश्व हैप्पीनेस रिपोर्ट, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 कौन जारी करता है इसे? तो इसे जारी करता है कौन? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है, यानी यस DNSN द्वारा इसे जारी किया जाता है। भारत का स्थान क्या रहा है बेटा? 126। पहले स्थान पर कौन रहा है? फिनलैंड। सबसे दुखी देश दुनिया में कौन रहा है? ये रहा है कौन? अफगानिस्तान। अब आप देख लीजिए भारत का स्थान 126वां है, ठीक है, यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां है। विश्व डिजिटल कंपटीशन रैंकिंग यानी डिजिटल में कंपटीशन यानी डिजिटलीकरण में प्रतियोगिता में देखिए कौन जारी करता है? IMD विश्व कंपटीशन केंद्र, IMD विश्व प्रतिस्पर्धा केंद्र, ये कौन जारी करता है? कितना रैंकिंग रहा भारत का? भारत का रैंकिंग क्या रहा है? 49। पहले स्थान पर क्या रहा है? USA। कुल देश कितने रहे? 64। सबसे खराब स्थिति में कौन आया? वेनेजुएला। वेनेजुएला से आप एक बात याद रखिएगा, वेनेजुएला में यहां पाया जाता है एक घास के मैदान जिसे कहा जाता है लानोस। वेनेजुएला में एक घास के मैदान पाया जाता है जिसे कहा जाता है लानोस, उस कटबंधीय घास के मैदान है। वेनेजुएला में आपको एक चीज और मिलेगा, केरो या केरो नदी, और केरो नदी पर आपको एक चीज मिलेगा, एंजिल जर प्रपात, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद अगला इंडेक्स है विश्व भूख सूचकांक, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स, ग्लोबल हैंगर इंडेक्स GHI। ग्लोबल हैंगर इंडेक्स की अगर आप बात करेंगे तो ग्लोबल हैंगर इंडेक्स में देखिए जरा कौन जारी करता है? वर्ल्ड हैंगर हेल्प, ये कहां की है? और जर्मनी तथा ये जर्मनी की संस्था है ग्लोबल हैंगर हेल्प, और इसे कर्सन वर्ल्ड वाइड ये आयरलैंड की संस्था है। ये दोनों मिलकर वैश्विक भूख सूचकांक जारी करते हैं। दुर्भाग्य है 125 देशों में भारत का स्थान 111वें स्थान पर है। भारत खाद्य पूर्ति में दुनिया में 99% आत्मनिर्भर है, फिर भी ये हालत है, पता नहीं कहां जा रहा है। बेलारूस, बेलारूस ये दुनिया में पहले स्थान पर रहा है, कुल देश 125 रहे हैं। यमन इसमें सबसे अंतिम पायदान पर रहा है। ये है कीवस एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024, कीवस कोरल साइंटिमस ये इसको जारी करता है, कीवस केकरोली साइंटमेंट्स इसके द्वारा जारी किया जाता है, ये उस सूचकांक का नाम है। इस सूचकांक में पहले कुल कितने देश शामिल किए गए हैं, तो कुल कितने संस्थाएं शामिल की गई हैं? 1,569 संस्थाएं इसमें शामिल की गई हैं, और जो प्रथम स्थान पर रहा है वो पेकिंग विश्वविद्यालय रहा है, और ये कहां का पेकिंग विश्वविद्यालय है? चीन का रहा है। भारत के कितने विश्वविद्यालय को इसमें शामिल किया गया है? 69, और इस 69 में बॉम्बे IIT 149वें के साथ ये भारत में क्या रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है, यानी इस यूनिवर्सिटी में बॉम्बे IIT 149वां स्थान मिला है, लेकिन यह भारत में क्या रहा है? पहले स्थान पर रहा है।
अगला देख लें जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, इससे बाहर आपके पेपर में कुछ आना भी नहीं है। कह रहा एशियाई, अब वहां देखिए कीवस था, यहां एशियाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 कौन जारी करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया जाता है। इसमें तुंगसुंग यूनिवर्सिटी चाइना को पहले स्थान पर मिला है। अच्छा, चाइना की एक यूनिवर्सिटी और है जो दूसरे स्थान पर है। अब आप जा सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IIC, इसको मिला है 32वां स्थान, और इसके साथ इसमें यह भारत प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा अगर बात करें अन्ना यूनिवर्सिटी, ये मिला है इसको 119, और अगर बात करें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी तो ये मिला है कितने, 134। ये भारत में, देखो ये भारत के रैंकिंग के हिसाब से ये पहले स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है और ये तीसरे स्थान पर है। सारे महत्वपूर्ण इंडेक्स देखो, मैंने अभी बताया था आपको वैश्विक अंतराल, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, उसमें भारत का स्थान 129वां था, लेकिन अगर कहे GDI जेंडर डेवलप जेंडर गैप इंडेक्स, तो जरा देखिए वो भी जारी हुआ 2022 वाले आंकड़े ही हैं, UNDP जारी करता है, 193 देशों में 108वें स्थान पर क्या रहा है, भारत रहा है 193 देशों में, भारत 108वें स्थान पर रहा है। ये देखो ये तीन आयामों में जारी किया जाता है, कैसे, असमानता को मापने में, प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण और श्रम तथा बाजार के आधार पर इसको जारी किया जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स थे, ये वो बहुत महत्वपूर्ण इंडेक्स थे जो आपके पेपर में शायद इससे बाहर आना है नहीं। हाँ, अगर आप इंडेक्स रटने ही बैठ जाओगे तो बहुत सारे इंडेक्स हैं, पर मैंने वो गेस किया है जो मुझे लगता है कि ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में अब तक आए हैं या आने की जिनकी संभावना है। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी छोटे से टॉपिक के साथ, तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, और हाँ अगर वीडियो यहाँ तक आ गए हो तो आसपास लोगों तक शेयर कर दीजिएगा।